हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं, सेकंड लेवल की तैयारी में जुड़े हुए हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत खुशी होती है ऐसे देखते हो तो। आपकी तरफ से कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इस तरीके के कमेंट्स मुझे आते रह रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की, ठीक है? तो चलो आज एक एक्सपेरिमेंट सॉल्व कर लेते हैं, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट स्टैंडर्ड 9 के लिए। अभी 4-5 दिन ही बचे हैं एग्जाम के लिए, लंबी चौड़ी कहानी है। देखो प्रोसीजर दी गई है, एम है एक्सपेरिमेंट का टू डिटरमाइन द नॉर्मैलिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन बी। चलो ठीक है, प्रोसीजर में कहा गया है टेक सॉल्यूशन ए फ्रॉम द गिवन बॉटल एंड ऐड इट टू द गिवन टेस्ट ट्यूब अप टू द गिवन मार्क। सब कुछ गिवन है, टेस्ट ट्यूब दी गई है, मार्किंग किया हुआ है टेस्ट ट्यूब पर, सॉल्यूशन ए दिया है, उसको बस ऐड करना है जहाँ तक आपको मार्किंग की गई है, ठीक है? जब मार्किंग तक ऐड करते हो तब लोअर मेनिस्कस देखनी है। कोई भी लिक्विड हो तो उसकी अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस पता है ना, तो लोअर मेनिस्कस को ध्यान रखते हुए मार्किंग तक आपको ऐड करना है, राइट? फिर देखो उसमें 2 ड्रॉप्स इंडिकेटर ऐड करो कहा गया है, कर देना, और कलर चेंज ऑब्जर्व करना है और उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन करना है, राइट? आगे की कहानी में बताया है टेक सॉल्यूशन बी फ्रॉम बीकर यूजिंग ड्रॉपर, अभी ड्रॉपर से लेना है और ड्रॉप बाय ड्रॉप इस टेस्ट ट्यूब में हमें ऐड करना है, ठीक है? फिर देखो ऐड करते हुए हमें वो टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाना है व्हाइल एडिंग योर इंडिकेटर टिल द सॉल्यूशन बिकम्स कलरलेस। तो उसको कलरलेस होने में, कलरलेस जब होता है वो दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ दैट प्रैक्टिकल। हाँ, तो ध्यान रखना ऐसे एकदम जोर से मत डाल देना, ड्रॉप बोला है तो ड्रॉप 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 ऐसे आराम से ही डालना है। और देखो नोट डाउन नंबर ऑफ ड्रॉप्स एडेड टू द सॉल्यूशन इन योर ऑब्जर्वेशन टेबल, तो ध्यान से ही डालना पड़ेगा, ये ड्रॉप्स आपको काउंट करने हैं। फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन बी यूजिंग फॉर्मूला N1V1 इज इक्वल टू N2V2, फॉर्मूला भी दिया गया है। अभी देखो N1 दिया है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन है 0.1 नॉर्मल, V1 दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1 ml, N2 दिया है, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन बी जो हमें निकालना है, और V2 जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी जो हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड किया हुआ है, ठीक है ना? तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ड्रॉप्स मतलब 0.5 ml होता है, ये उन्होंने दिया हुआ है। तो इस हिसाब से जितने भी ड्रॉप्स बनेंगे उसको हमें कैलकुलेट करके लेना होगा। टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल है। फिर देखो ऑब्जर्वेशन टेबल चेंज इन कलर इन प्रोसीजर 2, तो आपने इंडिकेटर डालने के बाद कलर चेंज जो होता है वो यहाँ लिखना है आपको। टाइप ऑफ सोल्यूशन है एसिडिक है बेसिक है या सॉल्ट है, तो ये यहाँ पर पीएच स्केल का, ये हमने लास्ट टाइम भी बात की थी ना इसकी, तो ये रेड से ग्रीन के रेंज में आ गया तो एसिडिक सॉल्यूशन कर दोगे, ग्रीन टू ब्लू में आ गया तो न्यूट्रल लिख दोगे, और ग्रीन से पर्पल तक चला गया तो अल्कलाइन लिख दोगे। तो उस हिसाब से जो भी कलर आता है उसके हिसाब से यहाँ आप लिखोगे। फिर देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हेन रिएक्शन कम्प्लीटली टेक्स प्लेस वो लिखोगे, और नंबर ऑफ ड्रॉप्स एडेड टिल इट बिकम्स कलरलेस, तो वो ड्रॉप्स काउंट करने हैं। तो V2 वॉल्यूम कितना आता है, जैसे 10 ड्रॉप्स मतलब 0.5 ml, तो जितने आपके ड्रॉप्स हुए उसके हिसाब से ये V2 वॉल्यूम कितना आया ये आपको यहाँ लिखना है। ये इमेज जहाँ से ली हुई है उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखो अभी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है हमें सॉल्यूशन बी की, तो हम कैलकुलेट कर देंगे। ये सारी कहानी हमें दी गई है ऑलरेडी, तो सपोज 10 ड्रॉप्स हमें लग गए तो 0.5 ml हमने ऐड कर दिया, ऐसे हम पकड़ेंगे। सो लेट्स से 10 ड्रॉप्स नीडेड, सो V2 इज इक्वल टू 0.5 ml, पुटिंग द वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला वी गेट
0.1 इंटू 1 इज इक्वल टू एन टू इंटू 0.5, तो वो निकल कर आएगा एन टू इज इक्वल टू 0.2 नॉर्मल, राइट। अब आगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखने हैं, राइट द आंसर्स। तो राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ लाइम वाटर। कल ही के वीडियो में मैंने आपसे बात की थी, आपको बताया था बैलेंस्ड इक्वेशन एक बार देख के रखो और जो भी केमिकल्स हैं उनके जनरल नाम, रूटीन नाम और केमिकल नेम ये याद रखो। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने लाइम वाटर कहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ लाइम वाटर, तो ये रिएक्शन आपको लिखनी होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बाइट्स ऑफ हनी बी विच हाउस होल्ड केमिकल इज यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर, व्हाई। तो इसका आंसर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब फिर से सोडियम बाइकार्बोनेट। ये असल में बात ऐसी है, हनी बी विनोम जो होता है वो एसिडिक होता है और बेकिंग सोडा का आप पानी में मिक्स कर दोगे तो इट फॉर्म्स अ बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। फिर जब ये अप्लाई किया जाता है बी बाइट के ऊपर, सो दैट न्यूट्रलाइजेस द हनी विनोम एंड विच गिव्स रिलीफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर बन गया। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलार सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेंस 2 एसिडिक प्रोटॉन्स H+ आयंस। एसिडिक प्रोटॉन मतलब H+ आयंस, दो है ना यहाँ पे H2। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ क्या है, एन फैक्टर इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ या OH- आयंस। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो सकते हैं, सो इसलिए 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विल बी 2 नॉर्मल, गॉट इट। तो इस तरीके से 1 मोलर मतलब यहाँ मोलारिटी 1 × 2 दैट इज 2 नॉर्मल, समझ में आया ना। इस तरीके से ये आंसर निकाला जा सकता है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। इस तरीके के टाइट्रेशन बेस्ड प्रैक्टिकल्स आ सकते हैं, सिंपल प्रैक्टिकल्स हैं वो। एसिड बेस का चार्ट एक बार याद रखना, वो कलर कोड जो है वो याद रखना, और जो कुछ रेफरेंसेस मैंने आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी वो एक बार देख लेना, तो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।